भाइयों और बहनों, आज मैं एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ और उस कहानी का शीर्षक है किसान और मगरमच्छ। इस कहानी में होता क्या है कि एक बार एक मगरमच्छ दूर दराज के इलाकों में फंसा रहता है। वहाँ का जो तालाब होता है वो सूख गया रहता है, तो वहाँ पर बेचारा वैसे ही रहता है, भूख प्यास से तड़प रहा होता है। तो अब उसे एक दूर कहीं भी तालाब में जहाँ उसको पानी का स्रोत मिले वहाँ पर पहुँचना होता है, लेकिन पहुँचेगा कैसे? कोई पहुँचाने वाला था नहीं उसको। तो उधर से एक किसान गुजर रहा था। किसान ने देखा मगरमच्छ को और मगरमच्छ ने भी उसको देखा। तो मगर ने कहा, किसान भैया, किसान भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम तो जानते ही हो कि मैं बिना पानी के नहीं रह सकता। मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे कृपा करके आप किसी पानी वाले स्रोत में पहुँचा देते, कहीं तालाब में मुझे पहुँचा देते तो मेरी ज़िंदगी बच जाती। किसान को थोड़ी दया आ गई। उसने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे खाओगे तो नहीं ना? तुम्हारी क्योंकि वैसी प्रवृत्ति है। तो उसने कहा, मगर ने कहा, अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप भी? तुम सहायता कर रहे हो, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा? तो किसान ने उसको कैसे भी कंधे पर उठाया और उठाकर एक दूर तालाब था उसके पास लेकर गया। और तालाब में जैसे ही छोड़ा तो कुछ देर तक पहले उसने पानी पिया, और पानी पीने के बाद तुरंत झपट्टा मार के किसान का पैर पकड़ लिया, पानी में खींचने लगा। किसान ने कहा कि अरे भाई, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। मैंने तुम्हारी सहायता की है और तुम मेरे ऊपर ही अटैक कर रहे हो, मुझे खाने की चेष्टा कर रहे हो। तो मगरमच्छ ने कहा कि भाई, मेरी तो ये प्रवृत्ति ही है। मैं 8 दिन से भूखा हूँ। अब बताओ मैं कि कहाँ भोजन के लिए जाऊँ? तुम ही तो मिले हो, तुमको खाऊँगा तो ज़रूर। किसान ने कहा, अच्छा, भैया एक काम करते हैं, न्याय कर लेते हैं। हम लोग किसी से पूछ लेते हैं कि क्या तुम अच्छा कर रहे हो। मुझे लग रहा है तुम बहुत गलत काम कर रहे हो मेरे साथ। कहा कि अच्छा ठीक है, पूछ लो। किससे पूछोगे? एक वहीं पर गाय चर रही थी, तो गाय को उसने सारी बात किसान ने बताई और बोली कि बताओ, ये मगर मेरे साथ अच्छा काम कर रहा है। तो गाय ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, मैं जब दूध दे रही थी तब तक तो मुझे किसान अपने घर पर रखा था, और जैसे ही मैंने दूध देना बंद किया तो मुझे ऐसे इलाकों में छोड़ दिया। अब बताओ मेरे साथ अच्छा हुआ क्या? मगर भैया आप इसको खूब आराम से खाओ, स्लोली स्लोली काट काट के खाओ। तो मगर ने पकड़ के उसकी टांग खींची, जैसे ही खींची तो बेचारा माई माई चिल्लाने लगा। कहा, रुको 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 रुको, किसी और से पूछ लेते हैं, गाय झूठ बोल रही है। तो उधर एक घोड़ा था, वो चर रहा था। तो उससे पूछा, उसको सारी बात बताई अपनी सारी कहानी कि मैं कैसे कैसे इसको लेकर आया। तो कहा कि बताओ भाई, ये अच्छा कर रहा है मगर मेरे साथ। तो उसने भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि देखो, मैं लंगड़ा हो गया हूँ। जब मैं ठीक ठाक था तब तो ठीक था, मुझे किसान खूब खिलाता पिलाता था, अपने घर रखा था। और एक दिन मैं जंप कर रहा था, ऐसे कूदते टाइम मेरी टांग में मोच आ गई, मेरा पैर ही टूट गया और टेढ़ा हो गया। तब मुझे उसने क्या किया कि ऐसे छोड़ दिया, भगा दिया अपने घर से। बताओ मेरे साथ उसने अच्छा किया? मगर भाई इसको खूब चबा चबा के खाओ। किसान बेचारा का पैर पकड़ के मगर ने खींचना चालू किया। अब वो दादा दादा चिल्लाने लगा, अरे मोरी माई, अरे मोरी दादा। अरे रुको 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 रुको, किसी और से पूछ लेते हैं। तब तक उधर एक सियार निकल रहा था,
और वो सियार सारी चीज बातें देख रहा था, सबकी बातें सुन रहा था और देख भी रहा था। तो सियार से को सारी बातें बताई तो सियार को कुछ दया आ गई कि बचा लेना चाहिए इसको कैसे भी। तो सियार ने कहा अब एक योजना बना ली, और योजना बना के बोला कि अरे किसान तुम तो वही हो ना जो उधर बंजर जमीन में पड़े थे उधर। तो मगर ने तुरंत झपट्टा मार के बोला है ये नहीं था मैं था। अरे झूठे कहें के तुम थोड़ी थे, तुम तो पानी में रहते हो गधे कहें के यही तो था। तो उसने कहा अरे नहीं ये नहीं था मैं था। कहा कैसे तुम था? वो सर खुजलाने लगा ऐसे, सियार सर खुजलाने लगा कि नहीं तुम नहीं थे। कहा अरे मैं ही था। कैसे थे चलो बताओ तो। मगर ने उसका मगर का कंसंट्रेशन सारा खो गया, वो बेचारा इतना एक्साइटेड हो गया बताने के चक्कर में कि उसका पैर छोड़ दिया और निकल के लगा आगे आगे जाने की चलो मैं बताता हूँ। तब तक किसान को सियार ने इशारा किया अरे भाई भाग 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 भागो जल्दी भागो। किसान दौड़ के भाग गया और सियार भी भाग गया, मगर बेचारा दांत किटकिटा के रह गया। और इस प्रकार से उस किसान की जान बच गई और सियार भी वहाँ से निकल गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसे लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए जो सहायता पाने के बाद एक दिन हमारे लिए ही मुसीबत बन जाए। ऐसे लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों को दबा के रखने में ही फायदा है, ऐसे लोगों का सहायता नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि हमें कभी भी उन लोगों को के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिनसे उनको इतनी तकलीफ हो जाए कि आने वाले समय में कभी वो अगर उनको हमारी सहायता करने का अगर उनको अवसर मिले तो वो आँख चुरा कर निकल जाए। इस कहानी में गाय और घोड़े के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब तक वो काबिल रहे तब तक किसान उसे पालता है, खिलाता है, पिलाता है, और जब वो जान जाते हैं कि अब इससे हमको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला तो उसको भगा देते हैं, छोड़ देते हैं। इससे हमको यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बहुत आवेश में आकर, बहुत ही ज़्यादा आवेश में आकर अपना जो कंसंट्रेशन है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। मगर ने भी यहाँ पर यही गलती की। अगर वो ये गलती ना करता तो किसान को वो खाकर अपना पेट पाल सकता था। तो यहाँ पर हमको ये सारी सीख मिलती है। और चौथी सीख हमें मिलती है सियार से कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर कोई हमें सहायता के लिए पुकारे तो हमें जहाँ तक हो सके उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। बाकी आगे भगवान है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।